राजस्थान में इतनी जाट आबादी होने के बावजूद भी आज तक सीएम क्यों नहीं बन पाया? राजस्थान और राजस्थान की राजनीति ऐसे ही हर किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं है। ये अगर हर कोई समझ जाए तो फिर बात ही क्या। इस बात को ऐसे समझिए कि राजस्थान में जाट समुदाय वोटिंग के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है, पर उसके बाद भी आज तक जाट जाति का सीएम नहीं बन पाया। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो इस बात को ऐसे समझिए कि जाट जाति सीएम बनवा सकती है, पर आज तक अपनी ही जाति का सीएम नहीं बना पाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में जाट एक किसान कौम है। आज़ादी के बाद राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। सामंती और जमींदारी खत्म होने के बाद राजपूत कांग्रेस के खिलाफ हो गए, तो किसान वर्ग और जाट समुदाय अपनी जमीन वापस मिलने के बाद कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे को छोड़ दें तो राजस्थान में कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है, पर उसके बावजूद भी कभी जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी कौम है जाट, और इस बात को ऐसे समझिए कि 1998 के बाद जाटों ने जिसका साथ दिया उसकी ही सरकार बनी। जाटों ने 1998 में और 2008 में कांग्रेस का इसलिए साथ दिया था कि उनका मुख्यमंत्री बन जाए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमेशा अशोक गहलोत पहली पंक्ति में खड़े थे। राजस्थान में जाट आबादी की बात करें तो लगभग 12% की आबादी है। गहलोत सरकार हो या वसुंधरा सरकार हो, दोनों में ही जाटों का दबदबा हमेशा से रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मारवाड़ और शेखावटी में जाटों का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। साथ ही नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जोधपुर को जाट बेल्ट कहा जाता है। अगर आज़ादी के कुछ वक्त बाद की बात करें तो जाट वोटर्स को कांग्रेस का माना जाता था, पर फिर वसुंधरा के जाट बहू के नारे ने पूरी पिक्चर बदल कर रख दी। अगर इतिहास में जाकर देखें तो राजस्थान में जाट समाज को राजनीतिक और सामाजिक पहचान दिलाने में बलदेव राम मिर्धा को बड़ा श्रेय मिलता है। 50 के दशक में मारवाड़ किसान सभा बनाकर मिर्धा ने कांग्रेस के समांतर संगठन करने का प्रयास किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलदेव राम मिर्धा से मध्यस्थता कर भूमि सुधार से जुड़े अहम निर्णय लिए, जिसके बाद मारवाड़ किसान सभा और कांग्रेस की राह एक हो गई और सामंती जमींदारी प्रथा के खिलाफ राजस्थान में जाट या किसान वर्ग कांग्रेस के झंडे के तले लामबंद हो गए। बलदेव राम मिर्धा के परिवार से दो सदस्य रामनिवास मिर्धा और नाथूराम मिर्धा के समय जाट राजनीति शिखर पर पहुंची। राजस्थान का नागौर जिला इन्हीं के चलते राजनीति का सियासी केंद्र बना। मिर्धा परिवार की राजनीति हनक का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आपातकाल के बाद जब कांग्रेस का उत्तर भारत में सफाया हो गया था, तब विधानसभा चुनाव में मारवाड़ की 42 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटें जीत ली थी। मिर्धा परिवार के अलावा परशुराम मदरेणा और श्रीश्राम ओला कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जिन्होंने केंद्र से लेकर राज्य में अहम भूमिका निभाई। जाट समुदाय के अन्य नेताओं में विश्वेंद्र सिंह, बाड़मेर से बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम, रिजपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा, रामनारायण डूडी, महिपाल मदरेणा जैसे कई नामी नेता रहे। फिर समय आया अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का। कांग्रेस के अशोक गहलोत और बाद में 2003 में वसुंधरा राजे के राजस्थान की राजनीति में उतरते ही चाहे जाट हो या राजपूत हो या ब्राह्मण हो, इन तीनों प्रभावशाली राजनीतियों की जातियों को, राजनीतिक वजूदों को नियंत्रित कर लिया गया। जो नेता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के लिए चुनौती बना, उसका राजनीतिक वजूद ही खत्म कर दिया गया या फिर वो हाशिए पर चले गए। अब इसका उदाहरण आप मिर्धा परिवार, मदरेणा परिवार, ओला, घनश्याम तिवारी, जसवंत सिंह जसौल को देख करके लगा सकते हैं। जाट समुदाय के दिग्गज नेताओं की धमक राज्य और केंद्र में तो थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति में नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जोधपुर को एक तरह से जाट बेल्ट कहा जाता है। जाट समुदाय का लगभग 60 सीटों पर प्रभाव है। हनुमान बेनीवाल को जिस तरह से जाट युवाओं का समर्थन मिल रहा है, ये समाज बेनीवाल को राजस्थान के पहले जाट सीएम के तौर पर देखता आ रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाला समय जाट जाति के लिए वो कर पाता है जो कई दशकों से नहीं हुआ। ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। अरे तू मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है, और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं।
क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।